ओ गाइज, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूं। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त, उनके डीप इमोशंस, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। अगर वो चुप है या चुप नहीं भी है, नो कांटेक्ट चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, जो भी है वो क्या फील कर रहे हैं, ओके, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ध्यान रखना है कि ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ ही मैच कर जाएगी, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके, और ये इग्नोर कर दो। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए इंस्टेंट कॉल मैसेज के लिए, मैं क्या कहते हैं उसको, टेक्निक, उसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तो उस पर काम चालू है। सो बहुत जल्द आपके पास इंस्टेंट कॉल या इंस्टेंट टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करने वाली टेक्निक आपके सामने मैं ले आऊँगी, जो कि बहुत असरदार होगी। पहले मैं टेस्ट करूँगी किसी पे, और फिर वो काम करेगी तो ही मैं उसको लाऊँगी, ठीक है? बट मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ हो, किसी के, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके इंटेंशन पे होता है, आपके प्योर, कितने प्योर हैं आपके इंटेंशंस, कितना विश्वास करते हो आप उस पे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मैं तो आपको बता दूँगी, बाकी आपको करना है नहीं करना है फिर वो आपके हाथ में होगा। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि आपके करियर में कुछ भी, किसी भी तरह के अगर इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम हो गया आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके मन में इच्छा है कि मुझे इस स्पेसिफिक कंपनी में ही जॉब लग जाए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट प्रमोशन चाहिए, या फिर आप कोई एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की सैलरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ट्रेनी से परमानेंट बनना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो, या आप स्विच करना चाहते हो, बिज़नेस करते हो तो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए, या कोई किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए, या जॉब स्विच करने के लिए, किसी भी तरह का करियर में आपको अगर ग्रोथ चाहिए, या फिर करियर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो सिट्रीन ज़रूर पहना करिए। मेरे पास और भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत सारा गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मिल जाएगा। और करियर के लिए सिट्रीन बहुत ही बेहतरीन होता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी मंगवा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल्स मिलेंगे, आपको एक्टिवेट करके मिलेंगे, ताकि आपका जो स्पेसिफिक पर्पज़ है वो उस पर काम करे, ठीक है? चलिए अब रीडिंग को हम पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। फर्स्ट लेट्स लाइट द कैंडल। मैंने इन कैंडल्स को ऑलरेडी क्लेंस कर लिया है, सो चलिए देखते हैं डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या कह लो बहुत ही इम्पल्सिव, बहुत ही मुफ्त, बहुत ही मतलब अगर साफ शब्दों में बोलूँ, बदतमीज काइंड ऑफ पर्सन लग रहे हैं मुझे, सॉरी टू से दिस। मैं उनको मतलब बुरा भला नहीं कह रही हूँ, बट जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये पर्सन अगर बोलने लगे ना तो बहुत गलत सलत बोल देते हैं, सोचेंगे नहीं बोलने से पहले, ठीक है? हाँ, इनको बुरा लगता है, बाद में सॉरी भी बोलते होंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत खटास लेकर चलते हैं मन में, ठीक है? और इस वक्त इनकी एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे तो आपका दिल कभी भी कैसे भी जीत सकते हैं। दैट इज़ देयर एनर्जी, कि इसको पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं यूँ पटा लूँ, इसको तो मैं यूँ अपने हिसाब से उसका मन चेंज कर लूँ। तो दिस पर्सन इज़ समवन जो
रिश्तों को, प्यार को एक गेम समझते हैं, और इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये आपके आपका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर आपको मनाना चाहते हैं, या आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपका दिल जीता जाए। दे नो वॉट द सॉफ्ट स्पॉट इज़, क्या है आपका सॉफ्ट स्पॉट, उनको बहुत अच्छे से पता है, और वो उसी जगह पे हिट करेंगे। उनको पता है ये करने से सामने वाला पिघल जाएगा, ये बोलने से सामने वाले का दिल मैं जीत लूँगी या दिल जीत लूँगा, एंड बी वेरी वेरी कॉशियस क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपसे अगर गलत बिहेव करते हैं, आपको अपने से दूर कर देते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं अपनी लाइफ से, या आपसे छुटकारा पाने की अगर कोशिश करते हैं ना, तो उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें आसानी से हो सकती है, वो चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती है। मे बी उनके काम में उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, या हेल्थ में, या पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में। तो इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या मे बी उनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भाई जब तक तू उसके साथ जस्टिस नहीं करेगी या करेगा, जब तक तू उसके साथ जो भी तूने बिगाड़ा है उसको संवारेगा नहीं, तब तक तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो इस पर्सन के लाइफ में अगर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इट इज़ बिकॉज ये उनका कर्मा है, ये आपको परेशान करने का उनका कर्मा है, और ये चीज़ उनको समझ आ रही है कि ओके, जब भी मैं उसके साथ कुछ बुरा करता हूँ तब मेरे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये पता चलना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन को ना आपको लेकर एक कॉन्फिडेंस है, ओके, कि तू तो मेरी होके ही रहेगी, तू तो मेरा ही है, तू कहाँ जाएगी, तू तो मेरी, तेरी और तेरी तो मुझसे ही शादी होने वाली है, हमारी तो शादी होकर रही। तो ये पर्सन इसलिए भी ना काफ़ी बार आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ओके, क्योंकि इनको पता है, मे बी इनको ऐसा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये तो मेरी ही है, ये तो मेरा ही है, हमारी तो शादी होने ही वाली है। सो ये बहुत मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है ये एनर्जी इनका, जहाँ पे इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये पर्सन हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। ठीक है, इस वक्त इनके लाइफ में ना मुझे लगता है कि बहुत अनक्लैरिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है। मे बी अपने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, या यू नो आपको लेकर कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अनक्लैरिटी, बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत ही सब कुछ मतलब बिखरा हुआ सा है। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे संवारा जाए, चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो खुद बहुत कन्फ्यूज है, उनको सही से खुद के इमोशंस भी समझ में नहीं आ रहे। ओके, सो ये पहली एनर्जी है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ओके, सो इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर भी सही से कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में खुद 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 कोई क्लैरिटी नहीं है इस वक्त। ओके, उनके लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं वो पहले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ना इनके इंटेंशंस आपको लेकर इतने अच्छे नहीं थे, इनकी सोच आपको लेकर इतनी प्योर नहीं थी, लेकिन अब इनकी सोच आपको लेकर बहुत ही प्योर हो गई है। अब ये जो भी सोचते हैं आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म में आपको देख रहे हैं, इनकी चाहत है आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ आग लाइफ बिताना चाहते हैं। पास्ट में ये पर्सन भले ही बोलते होंगे, लेकिन उस चीज़ को मीन नहीं करते थे। अगर ये पास्ट में आपको बोलते थे ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ये वो, तो तब वो मीन नहीं करते थे, तो झूठ बूट का बोलते थे, या फिर आपका दिल रखने के लिए, यू नो, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। लेकिन अब इनकी नीयत भी साफ़ हो गई, अब इनके इंटेंशंस भी क्लियर है कि नहीं, मुझे सच में उससे शादी करनी है, मुझे सच में उसके साथ फैमिली बनानी है, मुझे सच में वो चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, इनको आपको देखना है, आपसे बातें करनी है, आपको छूना है, आपको फील करना है, इतनी क्रेविंग हो रही है ना इस पर्सन को। लेकिन जो डिप्रेशन फील होता था ना इनको जब ये आपके बारे में आपको मिस करते थे, वो डिप्रेशन अब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। अब ये मिस करते भी है, आपको याद भी करते हैं, क्रेविंग भी बहुत होती है, लेकिन ये अपने आप को संभाल लेते हैं। ठीक है,
हाँ, लेकिन ये रियलिटी ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील यू. लस्ट नहीं देख रही हूँ मैं इनके अंदर, लेकिन हाँ, आपको देखने की चाहत, आपको छूने की चाहत, आपको हग करने की चाहत डेफिनेटली है इस पर्सन के अंदर. ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे मुंह फेर के बैठे हैं, आपको मना कर दिया है मैसेज कॉल करने से, आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उसके पीछे उनका बहुत सारा प्यार है. मे बी उनकी टैक्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे करने से सामने वाला मुझे चेज़ करेगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा. तो डेफिनेटली ये पर्सन शो ऑफ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, मानो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनको नहीं चाहिए हो आप. बट ऐसा नहीं है, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ. इनका गुस्सा बस कागजी है, इनका गुस्सा बस दिखावे के लिए है. बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे. इस पर्सन को आप प्यार नहीं दे रहे हो, या अटेंशन नहीं दे रहे हो, या इनको चेज़ नहीं कर रहे हो पहले जैसे, इनकी केयर नहीं कर रहे हो ना, तो उनको लग रहा है कि यही तू डिज़र्व करती है, ये डिज़र्व करता है. जब सामने वाला तुझे प्यार दे रहा था, तेरी केयर कर रहा था, तेरी परवाह कर रहा था, तब तुझे उसकी कोई पड़ी नहीं थी. तब तो तूने उसको इग्नोर किया, तब तो तूने उसके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया. और अब जब वो प्यार नहीं दे रहा है, जब वो इग्नोर कर रही है, जब वो तुझे, मतलब जब आपने इस पर्सन को कुछ भी देना बंद कर दिया ना, चाहे वो प्यार हो, अटेंशन हो, केयर हो, पैम्पर करना हो, इनकी फ़िक्र करना हो, तो अब इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगने लगा है कि तुम उसके लायक ही नहीं थे. अच्छा हुआ तुम्हें नहीं मिल रहा उसका प्यार. ओके, दे आर मिसिंग योर लव. बट ओके, मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपने हमेशा ही बहुत प्यार से संभाला, बहुत प्यार किया. मे बी आप, वैसे देखा जाए तो मे बी हो सकता है आपको टेम्परमेंट इश्यूज़ है, आपको गुस्सा आता है या फिर आपको बुरा लगता है, लेकिन आपने अपना वो साइड कभी भी इस पर्सन को शो ही नहीं किया. आपने हमेशा प्यार से ही बिहेव किया इस पर्सन के साथ, हमेशा जितना चाह तो, मतलब जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा प्यार देने की आपने कोशिश करी. ओके, लेकिन इस पर्सन ने अपने ईगो के चलते अपने इमोशंस को दबा दिया. इस पर्सन ने, वैसे देखा जाए तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है, लेकिन इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने इमोशंस को दबाया है और आपको अपनी रूड बिहेव किया, रूड साइड दिखाई, अपनी सीरियस साइड दिखाई. इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार देखो यार, रिश्ता निभाना है तो प्यार से निभाना पड़ेगा, ईगो से नहीं रिश्ता निभता. ठीक है, चलो, ये रियलाइज़ तो हो रहा है इस पर्सन को. इस पर्सन को ना ये जो दूरियाँ आ गई है ना आप दोनों के बीच में, चाहे फिजिकल दूरियाँ हो या इमोशनल दूरियाँ हो या दोनों तरीके से दूरियाँ आई हो, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और लिटरली इनकी जान निकलती जा रही है इन दूरियों के वजह से. ये पर्सन जीना ही भूल चुके हैं. ये स्ट्रांग इनको दिखना पड़ता है, या मे बी इनको स्ट्रांग रहना पड़ता है, एक ऑरा मेंटेन करनी पड़ती है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है, इस पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे लगता है इतने ख़ास नहीं है, और उनको लगता है कि ये कर्मा ही है, या आपको दुख देने की सज़ा है, या आपके दिल के साथ खेलने की सज़ा है जो उन्हें मिल चुकी है. क्योंकि ये बहुत हार्डवर्क करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, या पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं. इनको लगता है यही इनका कर्मा है कि इन, यू नो, जो भी आपके साथ इस पर्सन ने बुरा भला किया है ना, ये इनका कर्मा है, ये होना ही था. क्योंकि जब आप उनके लाइफ में होते थे ना, तो आप इनको मे बी मदद करते थे पैसों की, या फिर आप इनको हमेशा दुहाई देते थे या फिर मोटिवेट करते थे. अब इनके लाइफ में ना जैसे जान ही नहीं बची है, मतलब एक लाइफलेसनेस लग रही है इनको अपनी लाइफ. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके साथ अभी हो रहा है, जो अकेलापन उनको फेस करना पड़ रहा है, वो डिज़र्व करते हैं. लाइक वो अपने आप को बहुत दोषी मानते हैं, दोष दे रहे हैं. ठीक है, उनकी लाइफ में अगर कुछ खुशियाँ भी इनको मिल रही है, तो वो उससे भी खुश नहीं है. ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको किसी के साथ भी नहीं देखना चाहते कभी भी.
अगर आप मैरिड भी हो, मतलब अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो अनमैरिड है, तो वो आपको अपने पति के साथ या पत्नी के साथ भी नहीं देखना चाहते। उनको उनकी इच्छा है कि आप बस उनके साथ ही खुश रहो। ओके, सो दैट इज़ द लेवल ऑफ जेलसी और इनसिक्योरिटी दिस पर्सन हैज़। ओके, इस पर्सन की इच्छा है कि यार तुम रिश्ता ख़त्म मत करो। अगर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझो कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तुम एटलीस्ट तुम ट्राई करो मुझसे बात करने का। मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगर इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम तो करो। तो इनको लगता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उनको कुछ करना भी ना पड़े और चीज़ें ठीक भी हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ देयर थिंकिंग। ये पर्सन अपने अंदर बहुत से बदलाव ला रहे हैं। मे बी ये बदलाव वो आपको बताकर नहीं ला रहे हैं, वो चुप बैकग्राउंड में इनके अंदर चेंजेस ला रहे हैं खुद के अंदर। और वो अपने आप को बेटरमेंट, मतलब आप दोनों की बेहतरी के लिए बदल रहे हैं, क्योंकि प्यार उतना करते हैं। देखिए, इंसान उसी इंसान के लिए बदलता है जिससे वो सच में प्यार करता है, जिसके साथ वो सच में रहना चाहता है। ओके, इस पर्सन को समझ आ गया है कि आज तक जो वो आपके साथ बिहेव करते आए, वो बिहेवियर उनका बहुत ख़राब रहा है। इसी वजह से ये पर्सन बहुत गिल्ट में जा चुके हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि यार तूने उसके साथ अच्छा नहीं किया, तूने उससे प्यार को जस्टिस नहीं दिया। ये पर्सन लिटरली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा शो कर रहे थे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो ना रहो, यू नो, ब्लॉक कर दो या ना ब्लॉक करो, जो भी है, बट फ़र्क पड़ रहा था। जब ये पर्सन पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना कि क्या तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ा उसके जाने से या उससे दूर होने से, तो फ़र्क तो पड़ा है इस पर्सन को। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन ने अगर किसी के वजह से आपको छोड़ा था, अगर ये किसी के पास जाकर जाना चाहते थे या किसी और रिश्ते का सहारा लेना चाहते थे, कोई थर्ड पार्टी थी अगर इन्वॉल्व, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ट्राई किया कि वो थर्ड पार्टी आपके जैसे ही उनसे प्यार करे, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो है वो है। अगर थर्ड पार्टी प्यार नहीं करती है तो नहीं करती है, दिखावा नहीं कर सकती ना, प्यार का कोई दिखावा नहीं कर सकता। प्यार इज़ अ फीलिंग जो फील हो जाती है। सो ये पर्सन को डेफिनेटली इन्होंने आपको किसी और में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस पर्सन को लगता है यही मेरा कर्मा है, बहुत ज़्यादा मुझे यही एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे दे आर लाइक यही तो डिज़र्व करती थी, यही तो डिज़र्व करता था। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा, और कौन सा पार्ट रीडिंग का ज़्यादा रेसोनेट हुआ है वो भी मुझे बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेशली आपके करियर के लिए, आपको अगर सच में आप करियर को लेकर सीरियस हो, तो सिट्रीन इज़ द वे टू गो। सिट्रीन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देता है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए एकदम 100% रेडी हो जाते हो। सो या, गो फॉर इट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।